સુરત શહેર ફરી એકવાર જ્વેલરીમાં ગિનિશ બુક ઓફ રેકોર્ડ કર્યો છે, જેમાં હોંગકોંગમાં કોરોનેટ વોચનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે, જેમાં 15,000 ડાયમંડ લગાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે સુરતની હાઈ ફેશન જ્વેલર્સ હેમલભાઈ કાપડિયા તથા રેનાની જ્વેલર્સ જે યુપી મેરઠના હર્ષિતભાઈ બંસલ બીજો ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કર્યો. આ વખતે સોનાની રિયલ ડાયમંડની વોચ બ્રેસલેટ બનાવવામાં આવી છે. આ વોચ બ્રેસલેટમાં 17,524 રિયલ ડાયમંડ લગાવવામાં આવ્યા છે. 17,524 રિયલ ડાયમંડમાં 12 નેચરલ રિયલ બ્લેક ડાયમંડ પણ લગાડવામાં આવ્યા હતા. આમાં 0.72 કેરેટનો ડાયમંડ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે. ખાસ વાત તો એ છે કે આ વોચમાં 113 નીલમની ચોકીઓ, જેને અંગ્રેજીમાં બ્લુ સફાયર નેચરલ બગેસ્ટનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. ટોટલ વજન સોનાનો બ્રેસલેટમાં 373.030 ગ્રામ છે, જ્યારે ટોટલ ડાયમંડનું વજન 54.70 કેરેટ વાપરવામાં આવ્યું. આની પહેલાં હાઈ ફેશન જ્વેલર્સ હેમલભાઈ કાપડિયા અને રેનાની જ્વેલર્સ હર્ષિતભાઈ બંસલ દ્વારા મેરીગોલ્ડ રિંગ પણ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તેમના નામે છે, જેમાં 12,638 ડાયમંડ સેટ કરી સૌથી વધારે ડાયમંડ સેટિંગનો રેકોર્ડ ગિનિસ બુકનો તોડ્યો છે. મેરા નામ હર્ષિત બંસલ હૈ. હર્ષિતજી, આપને જો યે બ્રેસલેટ બનાયા હૈ ઉસકી વિશેષતા ક્યા હૈ, ઉસકે બારે મેં માહિતી લીજીએ. हमारे लिए ये जो वॉच है ये बहुत ज़्यादा विशेष है और इतना ब्यूटीफुल वॉच बनाया है. हमने जो है इसकी डिज़ाइनिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग हेमल भाई से करवाया है और इतना ब्यूटीफुल वॉच है. इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं. सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे इसके अंदर लगे हुए हैं वॉच के अंदर कैटेगरी में, तो उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमको मिला है. 17,524 नेचुरल डायमंड्स हैं इसके अंदर. उसके अलावा 12 ब्लैक डायमंड्स हैं और 113 नेचुरल ब्लू सफायर्स हैं. इसकी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए हमने इसको 14 कैरेट येलो रोज़ एंड वाइट गोल्ड में इसको हमने बनाया है और पूरा का पूरा इसका डिज़ाइनिंग, इसका सिमेट्री, सब चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है. अच्छा, ये जो बनाया है आपने, उसका मतलब कि ये डिज़ाइन किस तरह से किया आपने, कहाँ से ये डिज़ाइन, मतलब इस डिज़ाइन का इंस्पिरेशन हमको श्रीनिका से मिला. श्रीनिका अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ये एक माँ हमारी जो लक्ष्मी है उनका स्वरूप है और इसको लॉर्ड विष्णु के हृदय वाले जो फूल होता है जो उनका सबसे प्रिय होता है उससे भी रिलेट किया जाता है. जी, आपका परिचय. आई एम हेमल कापड़िया फ्रॉम हाई फैशन ज्वेलर्स. मेरा 30 साल से डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मुझे ये सब नई चीज़, नई डिज़ाइन बनाने का बहुत पैशन है. अच्छा, तो आज आपने स्पेशली किस लिए हमें बुलाया है? ये खास आपको ये श्रीनिका वॉच जो मैंने गिनीस ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो बनाया, इसके लिए खास आपको बुलाया है. उसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वॉच सिर्फ वॉच नहीं है, लेकिन वॉच के साथ ब्रेसलेट बनाया हुआ है, तो इसका एक यूनिक डिज़ाइन है. वॉच तो सभी लोग पहनते हैं, लेकिन ये वॉच एक डिज़ाइनर के तरीके से बनाया हुआ है कि हर किसी को, किसी भी स्त्री को ये पहनने का शौक़ रहे और वो हमेशा पहनने का पैशन रखे. और साथ में आपने पिछले साल एक डायमंड की वीटी बनाई थी, इस बार आपने ब्रेसलेट बनाया है. अब हर बार इस तरह से रिकॉर्ड, अपने ही रिकॉर्ड जैसे तोड़ते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने रिंग बनाई थी, वो कुछ ऐसा एक साल पहले से हमने सोच के रखा था कुछ अलग बनाना है, तो हमने ऐसा सोच के रखा भाई कुछ हटके बनाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से बनाए. तो हमने मैरी गोल्ड रिंग बनाई, उसमें बहुत अच्छी सक्सेस हो गई और इसके वो सक्सेस के बाद में हमने सोचा कुछ और हटके बनाना है, तो हमने वॉच ब्रेसलेट का सोचा. उसके पीछे हमको 7 से 8 महीना मैन्युफैक्चरिंग में लगा, डिज़ाइनिंग में, सोचने में, कुछ उसमें एडिट किया, तो सारे कारीगर ने मिल के, पूरी हाई फैशन ज्वेलर्स की टीम ने साथ में मेहनत करके एक अच्छा नई चीज़ बनाई. इसका नाम हमने श्रीनिका रखा है. उसका रीज़न नाम रखने का? ये श्रीनिका इसलिए रखा कि ये भगवान विष्णु के हृदय का एक फूल है जो महालक्ष्मी जी का एक स्वरूप है, तो ये बहुत गुड फॉर्च्यून के हिसाब से हमने बनाया कि ये वॉच और ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन कोई भी पहने तो उसको अच्छा फॉर्च्यून मिले. कितने डायमंड जुड़े हुए हैं इसमें? इसमें टोटल 17,524 डायमंड जुड़े हुए हैं, जिसमें 12 नेचुरल ब्लैक डायमंड है, एक 72 सेंट का सॉलिटरी डायमंड है, इसमें 113 ब्लू सफायर जो नेचुरल है, तो इसकी ये खासियत है इसमें सब नेचुरल यूज़ किया हुआ है.
ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, सूरत।